आरसीए के तत्वावधान में ओरल कैंसर विषय पर एक सेमिनार का आयोजन तारामंडल स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। इस सेमिनार में भारी संख्या में कैंसर स्पेशलिस्ट और डेंटल सर्जन डॉक्टर मौजूद रहे। ओरल कैंसर के विषय पर टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट मुंबई से आए डॉक्टर स्वान ने उपस्थित डॉक्टरों को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाते हुए अपनी बातों को कहा। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुमित ने बताया कि कैंसर के 40% मामले केवल ओरल कैंसर के ही आते हैं, जिसमें खास तौर पर तंबाकू खाने वालों की संख्या अधिक है। These muscles are involved. Then we have something called ankylosing in order to move the tongue, and that is what I have. The tongue deviated to the lateral side. That means somewhere there is some involvement of this hypoglossal nerve. And the final photo I will come to later on. So muscles of the tongue are always evaluated in a T2 comment. T2 comment image is not going to give me any other information. Yeah, T2 image the tongue is shows it's not a T2 image. So this is in three different sections of the mouth. So truly and most I have the linear process muscle. This section and the linear process is coming down. I have the nerve coming in, giving me the mouth. The third image, I have the linear process. The higher dose is laterally, and this is a sublingual space. Yes. So, again imaging was unfortunate done for the patient, and this shows a lesion in the lateral border of the tongue, well circumscribed, which is not coming to the mid lesion. This is the sublingual space. The importance being that, if the lesion is involving the sublingual space, then what we need to do is to resect the entire, this entire sublingual space to... सबसे पहला लक्षण उन लोगों में जो दिन में 10 बार से ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, उनमें मुंह के जलन, नॉर्मल जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें भी तेज जलन होना, ये सबसे पहला लक्षण माना जाता है। इसके बाद लाल सफ़ेद दाग मुंह में, मुंह का कम खुलना और मुंह में कड़ापन होना, गाल के अंदर कड़ापन होना, ये सबसे पहले लक्षण हैं जो कि कैंसर में पहली सीढ़ी माना जाता है। इसके बाद अगर आदमी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो वो इस बीमारी से ग्रसित होगा। देखिए ज़्यादातर पहली बात तो ये है कि 90% उन मरीजों में देखा जाता है जो तंबाकू लेते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं यूजुअली तेज दाग, लाल दाग या अल्सर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण होते हैं मुंह के कैंसर। कभी कभी दांत का ढीला होना, उसके बाद घाव बन जाना, गले की गांठें, ये सब। आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा मौत का जिम्मेदार जो है कैंसर रिलेटेड मौत, 100 में से 40 लोगों को मुंह के कैंसर के वजह से वो जा रहा है। 40% जो फॉरेन कंट्रीज में इसका परसेंटेज 3% पे है, इंडिया में 40% पे पहुंच चुका है। और हर 100 में से 14 या 15 पेशेंट इससे मर जाते हैं। आज ये गोरखपुर में किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, गोरखपुर में आज ये किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? ये ओरका की तरफ से रुचिका मैडम और डॉक्टर अमित सिंह ने, जो यंग डेंटल सर्जन्स या ENT सर्जन्स या बाकी के जो डॉक्टर है जो हेडनेक रिलेटेड जो स्पेशलिटी जो पेशेंट को देखते हैं, उनको ट्रेनिंग के हिसाब से उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कि मुंह के कैंसर को जितना जल्दी हम पकड़ सके, जितना जल्दी हम पहचान सके और उसका इलाज जितना जल्दी हम कर सके, उसके हिसाब से उनके ट्रेनिंग के हिसाब से ये वर्कशॉप।